हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू PKB एजुज्ञान। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, पहले एक वीडियो अपलोड की गई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि ऑनलाइन काउंसलिंग जो है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की 4 ईयर प्रोग्राम यानी कि प्लस टू बेस का जो एग्ज़ाम हुआ था 8 जून को, उसकी आज से शुरू हो गई है काउंसलिंग और आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं मैंने वो बताया था। लेकिन कुछ डिटेल्स जो है वो बतानी उसके अंदर रह गई थी और जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कि कितनी फ़ीस है इसके लिए और भी कुछ डाउट्स है स्टूडेंट्स के, उन्होंने कमेंट किए हैं तो मैं डाउट्स को इस वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि डिस्क्रिप्शन के लिंक को विजिट कीजिए, वहां से आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन किसी ने भी डिस्क्रिप्शन का लिंक विजिट नहीं किया, यानी कि बहुत कम स्टूडेंट्स ने किया। और अगर आप डिस्क्रिप्शन का लिंक विजिट करते तो थोड़ा आपको बेनिफिट मिलता। तो दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एक अलग लिंक दिया हुआ है जिसको आप ज़रूर विजिट कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स के क्या डाउट हैं। ये देखिए दोस्तों, आई गोट 45 मार्क्स इन OBC, कैन आई फिल फॉर काउंसलिंग। तो दोस्तों, 40% से ज़्यादा जिनके मार्क्स हैं वो जो है काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और शेड्यूल कास्ट के लिए जो है 38% है, यानी कि 38% से ज़्यादा मार्क्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। भाई, मिनिमम मार्क्स कितने नंबर चाहिए फिल करने के लिए? भरत सिंह का ये है तो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। सरपाली गांव की लैंड है क्या यूनिवर्सिटी के अंदर? तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह से हमारे पास जानकारी नहीं होती है कौन से विलेज की लैंड जो है वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर में आ रही है। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इसका जवाब आपको नहीं दे सकता। फिर दोस्तों, सर ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है क्या? तो दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वो शुरू भी हो गई है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है, तो आप देख सकते हो। रोहित कुमार, सर अगर पहली काउंसलिंग में अगर फेवरेट कॉलेज नहीं मिला तो क्या सेकंड काउंसलिंग में मिल सकता है? प्लीज़ इस बारे में भी कुछ बताएं। तो दोस्तों, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पहली काउंसलिंग में अगर नहीं मिलता है तो हो सकता है सेकंड काउंसलिंग में। अगर आपका पहली काउंसलिंग में नाम नहीं आता है, फिर सेकंड काउंसलिंग में अगर आपका नाम आता है तो हो सकता है आपको कॉलेज मिल जाए जो डिज़ायर्ड है, यानी कि आपने फर्स्ट नंबर पे जो है वो डिज़ायर किया है, जो मैंने आपको प्रीफ्रेंस में बताया था। प्रीफ्रेंस में जो आप पहले नंबर पे फिल करोगे, चांसेस उसी के रहेंगे ज़्यादातर आने के, तो आप पहले नंबर पे जो डिज़ायर्ड कॉलेज है उसी को फिल करें। फिर दोस्तों, नीतीश भारद्वाज, भाई गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, मैं अभी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की डिटेल बता रहा हूँ, ये कमेंट एक बार मैं रिलीव कर रहा हूँ। फिर दोस्तों, मांगीलाल गुड़िया का कमेंट है, ये हमारे जो वो सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, क्योंकि लगभग हर वीडियो में मैं इनके कमेंट को देखता हूँ, तो मैं इनका पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ। रिजल्ट के टाइम भी इन्होंने हमें बताया था कि रिज़ल्ट आ गया है, और इनका डाउट जो है, भाई अगर मैं पहली काउंसलिंग के लिए फिल कर देता हूँ और अगर पहली काउंसलिंग में मेरा एडमिशन नहीं होता है तो क्या सेकंड के लिए दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा? तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, सेकंड के लिए दोबारा नहीं अप्लाई करना पड़ेगा। फिर दोस्तों, एडमिशन फ़ी कितनी है? तो डिस्क्रिप्शन का लिंक विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको एडमिशन फ़ी का पता चल जाएगा। आई गोट 62.5 मार्क्स, कैन आई फिल? यस यू मे फिल। आई गोट 35, यू मे नॉट फिल। कितने नंबर चाहिए काउंसलिंग के लिए? ऑलरेडी मैंने बता दिया है भैया। आई गोट 52 मार्क्स, फिल कर सकती हूँ क्या काउंसलिंग के लिए? यस, फिल कर सकते हो। तो दोस्तों, ये डाउट्स थे, ये मैंने आपको बता दिए हैं सॉरी। और अब मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके बता देता हूँ, जब आप डिस्क्रिप्शन के लिंक को विजिट करोगे तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, और इसके ऊपर मैंने दिया हुआ है थोड़ा काउंसलिंग फ़ी कितनी है, इसके अंदर आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर एक पिक जो मैंने डाली हुई है। फिर दोस्तों, यहाँ से आप BSc एग्रीकल्चर एडमिशन, स्टूडेंट एडमिशन जो ये है, स्पॉन्सर सर्चिज, यहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। फिर है रिफ़ंड ऑफ फीस। तो दोस्तों, कई बार फ़ीस जो है वो रिफ़ंड भी कर दी जाती है, और रिफ़ंड कब की जाती है ये आप डिस्क्रिप्शन के लिंक को विजिट करने पे ही पता लगा पाओगे। कई बार चांस होते हैं, यानी कि आप इस यहाँ पे एक जो पिक दी गई है इसके अंदर पूरी डिटेल दी गई है, तो डिस्क्रिप्शन का लिंक आप विजिट कीजिए दोस्तों, और वहाँ पर आप पूरी डिटेल जान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप बताइए मेरे को, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके डाउट को हम ज़रूर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन भगवान के लिए शुभ रहे।